तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमसीक्यू की इस सीरीज में प्रैक्टिस शीट नंबर 3 वर्क करेंगे। इसका पर्पस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू के, जो यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर आपसे रिपीट होते हुए पूछे गए हैं और इस बार के एग्जामिनेशन के लिए हॉट क्वेश्चंस हैं। तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग की इस सीरीज के प्रैक्टिस शीट नंबर 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। प्रैक्टिस शीट नंबर 2 में 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर अप किए। जो स्टूडेंट्स लगातार हम लोग के साथ बने हैं तो वो समझ सकते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होगा और ये थ्योरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में रखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑप्शन बी अनकॉल्ड कैपिटल, ऑप्शन सी इशूड कैपिटल, ऑप्शन डी रिजर्व कैपिटल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2019 और 21 दोनों में ही पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट होगा, रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, आफ्टर री इशूइंग द फोरफीटेड शेयर्स द बैलेंस ऑफ फोरफीटेड शेयर अकाउंट इज ट्रांसफर टू। ये क्वेश्चन बेसिकली डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है इशू ऑफ शेयर फोरफीचर की लास्ट एंट्री के लिए। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट एंट्री में हम शेयर फोरफीचर की वैल्यू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो अब आपको हिंट मिल गया। ये 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर ए इसका डायरेक्टली आंसर होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बी भी दे रखा है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन शेयर्स आर फोरफीटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। स्टूडेंट्स जो प्रीवियस 2 शीट्स में प्रैक्टिस कर चुके हैं तो उनको इस बात का पता है कि जब भी हम फोरफीट करते हैं तब उस समय फोरफीटेड की जो वैल्यू होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है और शेयर कैपिटल की। ध्यान रखिएगा, यहाँ शेयर कैपिटल की बात करी जा रही है, फोरफीचर अकाउंट की बात नहीं करी जा रही है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड में आप कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, उसका आंसर हो गया ये बी कॉल्ड अप अमाउंट। हाँ, अब अगर इसी जगह कहीं शेयर फोरफीचर की वैल्यू होती तब आप कॉल्ड अप वैल्यू को नहीं लेते, जो अमाउंट फोरफीट किया रिसीव किया है तब उस ऑप्शन को चूज करते। ये 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, नॉमिनल कैपिटल मीन्स, नॉमिनल कैपिटल मीन्स मतलब सिंपल कैपिटल जो कंपनी के लिए यूज़ करी जाती है उसका अथेंटिकेटेड नेम आपको बताना है। ए है अप्लाइड कैपिटल, बी ऑप्शन इशूड कैपिटल, सी ऑप्शन ऑथराइज्ड कैपिटल, डी ऑप्शन रिजर्व कैपिटल। 2018 का क्वेश्चन है, उम्मीद हो रही है कि इस बार आ सकता है। सी ऑप्शन ऑथराइज्ड कैपिटल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड रिजॉल्व टू फोरफीट 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ₹7.50 पर शेयर पेड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹2। तो ₹2.50 रिसीव नहीं हुआ है, ₹7.50 इसका आपको रिसीव हो चुका है। आगे क्या कह रहा है, 1000 ऑफ द फोरफीटेड शेयर वर री इशू ऑफ ₹6 पर शेयर। तो देखिए यहाँ पर ₹6 में शेयर इशू किए गए हैं जिनकी ओरिजिनल वैल्यू ₹10 क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब री इशू के टाइम पर ₹4 का आपको लॉस हुआ और ऑलरेडी आपके पास ₹7.50 थे। इसका मतलब है पर शेयर ₹3.50 इन हैंड है। फिर से समझ लीजिए, ₹7.50 आपने फोरफीट किया था, ₹4 का लॉस उसमें से माइनस किया तो पर शेयर ₹3.50 आपके पास बचा। और यहाँ पर 1000 शेयर्स की बात हो रही है तो 1000 × 3.50 करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए ₹3500। इसको ज़्यादा प्रैक्टिकल पे भी ध्यान देना की जरूरत नहीं थी, ओरली हो गया। 2018 का क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन शेयर आर अलॉटेड द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड विल बी। ऑप्शन ए शेयर एप्लीकेशन। ध्यान रखिए अलॉट करने की बात हो रही है,
तो अलॉट करते हैं इसमें वो भी क्रेडिट किसको करेंगे, सिंपल जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बी शेयर कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी बैंक अकाउंट, ऑप्शन डी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2018 का आया हुआ ये सिंपल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ, तो पहले ये समझ लीजिए कि कैपिटल रिजर्व की बात हो रही है जो कि कैपिटल नेचर का होगा और बिजनेस रन करने से जो प्रॉफिट आ रहा है उसकी बात ये नहीं कर रहा है। अब ऑप्शन ए गिवन है रेवेन्यू प्रॉफिट, तो बात ही खत्म, क्योंकि कैपिटल नेचर है। आपको पता है कि रेवेन्यू और कैपिटल दोनों की फैमिली अलग अलग है। रेवेन्यू रिसिप्ट, इसकी बात खत्म हो गई। सी कैपिटल प्रॉफिट, ये कंसीडर होगा। डी कैपिटल रिसिप्ट, ये कंसीडर है कैपिटल वर्ड होने की वजह से, क्योंकि कैपिटल नेचर है। और यहाँ पर ये प्रॉफिट जो है वो क्रिएट हुआ कैपिटल प्रॉफिट, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2018 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम वाई एंड कंपनी फॉर ₹5 लाख, ए सम ऑफ ₹1 लाख वॉज पेड बाय मीन्स एंड फॉर द बैलेंस ड्यू एक्स लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड विल बी। तो ध्यान देना यहाँ पर है, जिन लोगों ने प्रीवियस 2 शीट करी है वो समझ सकते हैं। सर आप तो थ्योरी कह रहे थे, प्रैक्टिकल बेटा है, प्रैक्टिकल थ्योरी जैसा ही है। ध्यान से देखिए कि 25% प्रीमियम पर हो रहा है, इसका मतलब जो इशू किया गया है वो आपका 125 पर इशू हुआ है। तो जब 125 पर आपने इशू किया और 1 लाख का पेमेंट कर चुके हैं तो 4 लाख ही रुपीज़ तो बचे, तो 4 लाख जो है वो डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 कर देंगे तो 3,20,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्योंकि शेयर्स की बात हो रही है तो उस तरीके से 32,000, डी ऑप्शन आंसर इसका सही है। ये 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, शेयर प्रीमियम अकाउंट कैन बी इशूड फॉर, जो शेयर प्रीमियम कलेक्ट कर रखा है जिसको अब हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। ए ऑप्शन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बिल्कुल गलत। बी पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, एकदम गलत। सी राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डी ऑल द अबव। तो जब दो गलत हो चुके हैं तो सी ही बचता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये क्वेश्चन 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसके भी चांस बन रहे हैं आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रिजर्व कैपिटल, ऑप्शन सी इशूड कैपिटल, ऑप्शन डी पेड अप कैपिटल। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ ईयर वाइज 2018 में, 2019 में, तो ये भी हॉट में आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेड अप कैपिटल, बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, इन टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज इंक्लूड्स, ये 2018 का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि जो लायबिलिटीज है उसमें कौन सा कंटेंट होगा, क्या सब्सक्राइब कैपिटल होगा, इशूड कैपिटल होगा, ऑप्शन बी सी है पेड अप कैपिटल, डी है अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो जिन स्टूडेंट्स को बैलेंस शीट फॉर्मेट क्लियर होगा तो उन्हें पता होगा कि सब्सक्राइब कैपिटल की वैल्यू टोटल में नहीं आती, बैलेंस शीट जब हम लिख रहे होते हैं तब उस समय टोटल अमाउंट में डबल लाइन कर दिया जाता है, इशूड कैपिटल में भी डबल लाइन हो जाता है। इसका मतलब है पेड अप कैपिटल ही लायबिलिटीज के टोटल अमाउंट की काउंटिंग के लिए आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप, क्या मतलब है समझिए। कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी ने जितना मनी कॉल किया, मीन सपोज करिए 10 रुपीज फेस वैल्यू थी और 10 रुपीज ही कॉल कर लिया। पेड अप का मतलब है कितना पब्लिक ने उसको पे किया, मानिए कि पब्लिक ने 8 रुपीज पे किया या पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर एक्स उसने 8 रुपीज पे किया तो 2 रुपीज का डिफॉल्टर हो गया जो पेमेंट नहीं दिया, वो 2 रुपीज का टेक्निकल नेम क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 2018 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कॉल्स इन एडवांस, बिल्कुल गलत है। बी अनकॉल्ड कैपिटल, ये भी गलत है क्योंकि कॉल्ड अप तो कर ही चुके हैं, तो बी ऑप्शन रॉन्ग। सी कॉल्स इन एरियर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉल्स इन एरियर। डी रिजर्व कैपिटल तो लेंगे नहीं, क्योंकि रिजर्व कैपिटल तो आपको पता ही है कि जिस समय कंपनी वाइंड अप होगी तो लास्ट टाइम पे जिस कैपिटल को कॉल अप किया जाएगा वो कैटेगरी रिजर्व कैपिटल में होती है। 2018 का आया हुआ ये एक अच्छा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, अ गवर्नमेंट कंपनी इज वन इन विच 51% और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय। गवर्नमेंट कंपनी के लिए किस शेयर कितने परसेंट शेयर हो इसकी बात हो रही है। रिपीट हुआ वाला क्वेश्चन है ये, 2018 में भी आया था और 2021 में भी आ चुका है। ऑप्शन है ए स्टेट गवर्नमेंट अलोन, बी ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन, सी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइंटली, डी एनी वन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट आइडेंटिटी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे दोनों एक साथ मिलकर ले रहे हो, 51% और उससे ज्यादा शेयर होना चाहिए तभी गवर्नमेंट कंपनी है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रीमियम इज कॉल्ड अलॉन्ग विद। तो अगर क्वेश्चन ये कह ये रहा है कि इशू ऑफ शेयर कैपिटल का जो अगर क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है तब सिक्योरिटी प्रीमियम की बनी। आप एप्लीकेशन के साथ लोगे, अलॉटमेंट के साथ लोगे, फर्स्ट कॉल के साथ लोगे, फाइनल कॉल के साथ लोगे, इसके बारे में बात हो रही है। तो जिन्होंने एक बार प्रैक्टिकल लगाया ईजिली कह सकते हैं सर कुछ नहीं गिवन है तो हम अलॉटमेंट के साथ लेंगे। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, अलॉटमेंट 2021 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, द पावर ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर इज एक्सरसाइज बाय। किसके पास पावर है शेयर को फोरफिट करने के लिए, 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए द शेयर होल्डर एट AGM मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, वहां पर इस पावर को यूज होता है। बी प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, बेटा प्रमोटर्स तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, एक बार कंपनी बन गई तो प्रमोटर्स का रोल अब खत्म हो चुका है, शेयर होल्डर्स में आ गए। ऑप्शन नंबर सी द गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टर्स एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ए कंपनी कैन इशू। ऑप्शन ए ओनली प्रेफरेंस शेयर्स, बी ओनली इक्विटी शेयर्स, ऑप्शन सी प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड स्वीट शेयर्स, डी ओनली रिफर्ड शेयर्स। रिफर्ड शेयर्स तो अब जन यूज ही नहीं होता है टर्म में, प्रेफरेंस इक्विटी ही वर्ड यूज हो रहा है कैपिटल के, और स्वीट इक्विटी भी उसका पार्ट है। तो ये 2018 में भी आया, 19 में भी आया, रिपीट होने वाले नेचर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड स्वीट इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 67, कॉल्स इन एरियर इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। ऑप्शन ए रिजर्व एंड सरप्लस, बी अनसिक्योर्ड लोन्स, सी शेयर कैपिटल, डी करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। सिंपल था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 2019 का ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स बाय शेयर होल्डर्स टू द कंपनी फॉर देयर कैंसिलेशन। दो बातें होती हैं, एक तो कंपनी खुद शेयर को वापस छीन लेती है मतलब फोरफिट कर लेती है, जब बल्कि यहाँ पर वॉलंटरी रिटर्न है मतलब शेयर होल्डर्स खुद से ही इसको वापस कर रहे हैं, तब इस जगह पर ऑप्शन ए फोरफीचर ऑफ शेयर तो बिल्कुल गलत है, कैंसिलेशन में भी कंपनी का रोल होता है ये भी गलत है, सी सरेंडर ऑफ शेयर ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कुछ बच्चे डी डोनेशन ऑफ शेयर से कंफ्यूज होते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, Which of the following cannot be utilized for issuing bonus share? Bonus share वो शेयर है जिनके लिए होल्ड किए हुए शेयर होल्डर्स को कोई भी एडिशनल पैसा नहीं देना पड़ता, इसकी सारी फंडिंग कंपनी अपने आप से खुद करती है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो हमारे पास नीचे पॉइंट दे रखे हैं उनमें से किसको हम बोनस शेयर की फंडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, मतलब कंपनी यूज नहीं कर सकती। ऑप्शन ए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बिल्कुल करेक्ट है सही है। बी इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये भी यूज होता है। सी जनरल रिजर्व, तो नाम से ही है ये यूज होगा। डी कैपिटल प्रॉफिट नॉट रिसीव्ड इन कैश, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। हम कैपिटल प्रॉफिट अगर कैश में रिसीव नहीं हुआ है तो उसको बोनस शेयर के लिए यूज नहीं कर सकते। 2018 का ये आया हुआ एक हॉट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ कंपनी कैन नॉट बी रिडीम्ड। कैन नॉट बी रिडीम्ड, कब उनको रिडीम नहीं करा जाता, किस सिचुएशन में। ए एट पार, बी एट प्रीमियम, सी एट डिस्काउंट, डी नन ऑफ दीज। 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, आसान है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, एट डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच मैथड इज लीगली एक्सेप्टेड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स।
इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऑप्शन ए, बी इशू ऑफ डिबेंचर्स, सी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लोन फ्रॉम बैंक। 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, राइट शेयर मीन्स द शेयर्स विच आर, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए है इशूड टू प्रमोटर्स, बी इशूड टू डायरेक्टर्स, सी इशूड टू वेंडर्स, डी इशूइंग इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। सबसे आसान था ये, ऑप्शन डी, डायरेक्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दी जाने वाली वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, व्हेन अ कंपनी हैज लार्ज रिजर्व्स एंड इंटेंडेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन कैपिटल एंड फिक्स्ड एसेट्स। ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है, कंपनी के पास रिजर्व बहुत है और उनको वो यूटिलाइज कर रहा है, टेक्निकल टर्म में कंफ्यूज ना होइएगा, टू ब्रिज द गैप बिटवीन द कैपिटल एंड फिक्स्ड एसेट्स। ऑप्शन ए है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ऑप्शन बी बोनस शेयर्स, ऑप्शन सी राइट शेयर्स और स्वीट इक्विटी शेयर्स। 2018 में आया, 19 में आया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, बोनस शेयर्स। ध्यान से समझ लीजिए, जिस बात में कह रहा है गैप बिटवीन कैपिटल एंड फिक्स्ड एसेट्स, तो इसका मतलब है जब जब शेयर कमज़ोर होगा तब तब ये गैप बढ़ेगा, और जब जब शेयर आपका जो है मजबूत होगा तब आप इस गैप को कम करोगे। तो इसका एक अच्छा टूल है इशू ऑफ बोनस शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जब हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं उस समय अगर हमें लॉस होता है, उसको लिए पूछ रहा है कि किस कैटेगरी में रखेंगे, ए अ लायबिलिटी, ऑप्शन बी एन एसेट्स, ऑप्शन सी एन एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी गेन। 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एनी एन एक्सपेंसेस, ये करेक्ट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, आएगा 75, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर आर शोन इन द, कहाँ पर हम अपने डिबेंचर को कैंसिल करने वाले प्रॉफिट को शो करेंगे उसके बारे में पूछ रहा है। ए ऑप्शन है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी डिबेंचर अकाउंट, नन ऑफ दीज। 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल प्रॉफिट ट्रांसफर होने की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स तो समझे जाएं इस बात को कि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, रेवेन्यू नेचर नहीं है, तो इसलिए पी एंड एल जाने का मतलब ही नहीं बनता, सीधा सीधा कैपिटल नेचर का कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉट क्वेश्चंस किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के थे। नेक्स्ट में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।